आप में से बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए कि भाई आप तो प्लेन में बैठते रहते हो, इतना ट्रैवल करते रहते हो, तो प्लीज़ कोई टिप्स दो, अगर कोई प्लेन में बैठा नहीं कभी तो पहली बार जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सोचा एक वीडियो ही बना देता हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्लाइट में पहली बार जा रहे हो तो याद रख के घर से निकलने से पहले तो ये ले लो। पहला है कि आपकी जो टिकट है ना PNR है या बोर्डिंग पास से वेब चेकिंग कर रखा हो तो वो ध्यान से देख लो। एक अपना ID देख लो, ड्राइवर लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट जो भी है। और तीसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस, एयरपोर्ट पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। वो घर पे मत भूलना, वो चेक होता है अलग से। अच्छा, अगर कोई छोटा मोटा एयरपोर्ट हो तो आप कहीं भी उतर सकते हैं। अपनी है विस्तारा की फ़्लाइट, तो अपन देख के उतरेंगे कि विस्तारा का कहाँ पर है। जैसे ये लिखा गया इसमें कि भाई हाँ तो एहतियात जाता है, ये नहीं है अपना, ये ऐसे पढ़ लो। अपना आ गया ये वाला, अपना है ये विस्तारा, तो अपन यहाँ उतरेंगे। अगर भीड़ को देख के डरना मत, इंटीमेट होना तो ना, ऐसा बिहेव करना कि अपना तो रोज़ का है, मतलब इतना रोज़ का कि अपन तो कॉलेज प्लेन में ही जाते हैं, सुबह की फ़्लाइट से जाते हैं, कॉलेज अटेंड करके शाम को करा जाते हैं, इतना रेगुलर है अपना। तो ऐसा इंटीमेट मत होना कि भीड़ हो गई, ओ हो तो पहली बार, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हाँ रोज़ का है। कल ही तो शाम को गया था यहाँ से लैंड करके घर। हो गया अपना मेन एंट्रेंस से जो पीछे होता है ना, यहाँ चेक करते हैं आपका ID और अपना टिकट विकेट दिखा दियो कि भैया ठीक है जा रहे हो। वैसे तो जान पहचान के लोग देखते ही समझ गए कि अरे आप तो कल ही शाम को दिखे थे, पर फिर भी ऐसे फॉर्मेलिटी होती है ना, गवर्नमेंट को करना पड़ता है वो। अच्छा, अब इसके बाद ये जो सामान है, ये इतना बड़ा सामान खुद थोड़ी उठा के ले जाओगे, इतने पैसे दिए तो अब तो ये यहाँ जमा करवाना होगा, ये अपन यहाँ जमा करवा देंगे और फिर यहाँ से आगे जाएंगे सामान जमा करने की। यहाँ लाइन वाइन लगा के दीदी होती काउंटर पर, उसको नमस्ते बोल के करना होगा, जमा करा के चलता बनूंगा। आज अपन प्रस्थान कर रहे हैं दिल्ली पर, ऐसे जनरल नॉलेज। यस राइट, यस आई डू हैव अ बैग फॉर चेकिंग। नो नो पावर बैग, यहाँ पे काउंटर वाली दीदी टिकट देगी, जो मेन टिकट होता है ऐसा पेपर वाला, ये टिकट ले लिया अपन ने, फिर यहाँ से जाएंगे आगे सिक्योरिटी चेक। मतलब अपनी तो ऐसे जान पहचाने लोग जानते हैं कि ये तो सीधा साधा सही बंदा है, पर सब ऐसे नहीं होते ना, तो इसलिए सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है। तो ऐसे बुरा मत मानना कि मेरी सिक्योरिटी चेक क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया, ऐसा नहीं, करवा लेने। तो उसके भी थोड़े टिप्स हैं देता हूँ मैं आगे। एक ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, लोगों से ये बहुत गलती हो जाती है कैसे बड़े एयरपोर्ट पर आके खो जाते हैं, ऐसे नहीं, ये देख लेने का कि इंटरनेशनल इधर है, डोमेस्टिक सीधे हाथ के और सूसू 40 कर लिए तो एकदम ही राइट ले लेते, तो ये देख लेना। ऐसे पूछ के कॉन्फिडेंस कम मत करना कि सर सूसू वाली कहाँ जाए, नहीं नहीं देख लो, पढ़ लो। और जहाँ सिक्योरिटी चेक होता है, मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट पर, तो दिल्ली एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट में ना सिक्योरिटी चेक थोड़ा दूर है, टिकट लेने के बाद से थोड़ा दूर चलना पड़ता है, तो रास्ते में भी ऐसे लुक बनाए रखना है सब कि ओहो मैं तो कितना बिजी इंसान हूँ, टाइम ही नहीं है लाइफ में। प्लेन घर से उड़ जाता तो और भी फील आ जाती कि क्या एयरपोर्ट तक आना पड़ता है गरीबों की तरह, ये वाला लुक मेंटेन करते हैं। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक गेट अपने आप खुला, सरकार ने काफ़ी खर्चा कर रखा है, तो सोच रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे गेट अपने आप ही थोड़ी खुल रही है, टैक्स के पैसों से खुला। अच्छा, क्योंकि एयरपोर्ट पे ज़्यादातर ऐसे अमीर लोग आते हैं ना, अपने आदत नहीं है, पर अमीर लोग आते तो सीढ़ियाँ भी वो नहीं कि ऐसे उतरना पड़े ऐसे ऐसे, ना 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 सर आप खड़े रहो, सीढ़ियाँ चलेंगी अपने भाई साहब, सब पैसे रख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी ना टॉयलेट की तरह अलग है, ये लेडीज है और ये जेंट्स है, पर अपन जाएंगे आगे से, यहाँ से वहाँ से जाने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो कॉन्फिडेंस वो वाला कैसे चाहिए, कम लाइन में, कम भीड़ की लाइन में जाने वाला कॉन्फिडेंस, वो भी दिखाते हैं। ये है नॉर्मल कॉन्फिडेंस, ऐसे आंखें ऐसे कर ली, मुंह ऐसे बना लिया, ये नॉर्मल कॉन्फिडेंस, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं ऐसे। अब हम जा सकते हैं कम भीड़ वाली लाइन में,
यहाँ पे सिर्फ ज़्यादातर एक्स्ट्रा जैसे कुछ सेलिब्रिटी और अमीर या फिरंग, ये तीन ही लोग आते हैं। तो अपन अब उस लाइन में जा रहे हैं, मान नहीं रहे तुम कि वही लोग आते हैं। तो अब यहाँ पे सलमान खान को हाई बोलेंगे और अपना सलमान करके ठीक है। ये जैसा कि मैंने कहा था कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। अब वहाँ से ट्रे उठा लो, अपना साइड में रख के धीरे धीरे सामान वापस फिक्स कर लो। ये मैं ट्रे ले आया साइड में। अभी वापस अपना जो फोन वॉलेट, अच्छा इधर ये अपना सामान अपन ले लिए। अरे सलमान भाई को भाई तो बोलो, नहीं सलमान भाई को भाई बोल दो। अब अपन चल रहे हैं। अच्छा यहाँ तो अनाउंसमेंट या इंग्लिश में होता है, एकदम ही हाई फाई इंग्लिश में या ऐसी हिंदी में जो स्कूल में सिर्फ हिंदी की टीचर बोलती थी। द्वार संख्या क्रमांक नंबर हाय हाय। अब ऐसे फिर से कॉन्फिडेंस रखने का सेम, ये उतारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसके बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। चालू ऐसे ही चालू रखो। ऐसे अभी इधर देख लो, बेबी केयर जाना है, फिर से सुसुपट्टी गेट की तरफ, लाउंज खाना वाना सब इधर है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, पूछा वहीं कॉन्फिडेंस का चलते। अच्छा यहाँ बहुत सारी दुकानें है ना एयरपोर्ट पे, तो ये इन दुकानों में कटवाना हमारा। 10 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में मिलती है, तो घर से ले आना। खाने वाने का सीन थोड़ा सा पराठे वराठे आलू की सब्जी करेला जो चलता है अपने को, वो उस हिसाब से अपन ने क्या किया इस बार। अपन लिए थोड़ी सी महंगी वाली टिकट, अपन जरूरी इकोनॉमी में जाते हैं पर इस बार मैंने बोला कि सबको दिखाना है कैसा है, तो फिर महंगा वाला ही दिखाते ना अच्छे से। तो पिछले हफ्ते गाँव में प्लॉट बेच के इस बार अपन ने महंगी बड़ी वाली सीट वाली टिकट करवाई है। पूछ रहे कि ये महंगी वाली सीट और उस सीट में फ़र्क क्या है, मेन फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो भाई सब मेन फ़र्क ये है कि महंगी वाली टिकट लो तो आपको फ्री में खाना पिलाते हैं, कि आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा है आप और पैसे मत दो खाने के, तो एक लाउंज जैसी चीज़ होती है वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस मेंटेन। अभी आपको मैं लाउंज लेके चलता हूँ। ये है मुंबई का लाउंज, यहाँ पर पहले बहुत भीड़ होती थी, फिर जेट एयरवेज ने एक दिन टाटा बाय बाय कर दिया कि मज़ा नहीं आ रहा उड़ने में, तब से भीड़ थोड़ी कम हो गई है पर काफ़ी भीड़ है। ये अपन आ गए बॉम्बे के लाउंज। चलो बताया था ना महंगी जगह पर, या तो सिर्फ बोरे लोग या सेलिब्रिटी। जब अपन एंट्री मार लिए लाउंज में, देखता हूँ अगर बाय चांस कोई सेलिब्रिटी मिली तो आपकी हेलो कराता हूँ। लग नहीं रहा अभी कोई है, वैसे सब ऐसे वही लोग हैं जो प्लॉट बेच बेच के महंगी टिकट लेकर आए मेरी तरह, एक भी जान पहचान का इंसान नहीं। कि यहाँ पे सब इंतजाम है, मतलब ऐसे पीने वीने का जुगाड़ है प्रॉपर, तो फुल ऐसे ये और भाई साहब पीने के इतने सारे ऑप्शन, ये नहीं कि सिर्फ बिस्किट विस्की है ना, मतलब फुल यहाँ पे क्या पीना है। अब नशे करने वाले बनो सब मिलेगा। अच्छा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे तो पता नहीं पड़ेगा कि क्यों रखते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये क्यों रखा है इनको भी नहीं पता, बस कोई ऐसे भूल गया था एक बार इन्होंने डेकोरेशन के लिए रख दिया। इनमें गलती से हाथ डाल के कुछ खा मत लेना है ना, वरना पता पड़ जाएगा कि अपन पहली बार आए। ये सब खाने में केक वेक ये टाइगर ब्रेड वेड वगैरह ये दूध में डाल के खाना है, ऐसे सूखा मत खाने लगना मूंगफली की तरह। ये है चीज़ें जो जनरली नहीं खानी होती, ये है असली खाना। ये इस साइड जो रखा था ये पराठे वराठे हो गए, गैलरी वाली है। अच्छा डरने की ज़रूरत नहीं कि मेरी फ्लाइट का टाइम क्या है, कब आएगी, छूट तो नहीं जाएगी, ये सब अमीर लोग का बहुत ध्यान रखते हैं भाई साहब, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रहती है। अपनी फ्लाइट है दिल्ली वाली, कहाँ है 10:30 है। तो अपन मेन्यू वाला नॉर्मल खाना नहीं खा रहे, इतने पैसे देने का फ़ायदा क्या कि पहले से रखा हुआ ठंडा खाना ही खाना है। तो अपन ने ऑर्डर किया कि भैया अपने को तो एक देसी बढ़िया सा ऑमलेट बना दे है ना, उसमें सब धनिया पुनिया डाल के तो भी डालते हैं।
गर्मा गर्म। तब तक आपको दिखा दूँ कि लाउंज के बाहर का क्या नज़ारा होता है। अगर आपको वो बोर्ड पे नहीं देखना कि कौन सी फ़्लाइट कितने बजे है जाएगी ये वो, तो यहाँ खड़े होकर ऐसे डायरेक्टली भी देख सकते हो। यहीं से तुमको दिख जाएगा तुम्हारा प्लेन कौन सा है, कहाँ से जा रहा है, उड़ने वाला है, चल गया। यहीं से देख के सीधा जा सकते हो। वो सामने जेट एयरवेज के प्लेन देख के ऐसे कंफ्यूज मत होना, उन्होंने किराए पे चढ़ा दिए स्पाइस जेट वालों को, इंडिगो वालों को। सही, पैसा आना चाहिए, कहीं से तो आते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना ज़्यादातर लोग लाउंज में वो हैं जो पैंट शर्ट कोट वोट पहन के, टाई वाई लगा के, फुल पगचौदी चालू है उनकी लंबी लंबी, करोड़ों में इसके भाव गिर गए शेयर के, उसके उठ गए, ये वैल्यूएशन हो गई, वैसा वही अरबों में करोड़ों में लाखों में तो बात ही नहीं कर रहा कोई। उनको जैसे जैसे भनक लगती ना आसपास कोई मिडिल क्लास इंसान बैठा तो शुरू हो गए। पर ये ट्रिक यहाँ नहीं चलेगी, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी फुल ये ईयरफोन लगा के ना मैं भी ऐसे शो ऑफ कर रहा हूँ कि मैं कॉल पे हूँ, तो अपना भी चालू है ऐसे ही कि हाँ क्या हुआ वो, अरे यार रिलायंस आधी नीचे, मेरे को पूरी चाहिए, मुकेश भाई से बात करो कि बायर रेडी है, डाउन पेमेंट में ले रहा पूरा। हाँ ठीक है, अच्छा वो क्या हुआ एयरटेल और वोडाफोन का क्या हुआ? हाँ अरे यार कल चेंज टेबल पे चेंज रख के गया था मैं, क्या यार क्या काम करते हो। और अच्छा अपनी पीएम से बात हुई? अरे अपने नहीं यार, यूके वाले पीएम से, अपना वो पेंडिंग पड़ा है ना वो काम। हाँ अपने को सिंगल पासपोर्ट चाहिए जिससे कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी मतलब मार्स वार्स जहाँ भी जाना हो एक ही पासपोर्ट से, वैसा चाहिए अपने को, ये वीज़ा का चक्कर नहीं। ठीक है अभी डिस्टर्ब मत करना, मैं लाउंज में बैठा हूँ, आसपास गरीब लोग हैं पता नहीं क्या शेयर वेयर की बातें कर रहे हैं ऐसे। तो अपना गर्मा गर्म फ्रेश, मेन चीज़ है फ्रेश ऑमलेट आ गया है जो अभी इसको अपन थोड़ा सा, ये बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये ऐसा नहीं कि हाथ से खा सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा सीन हो जाता है, यहाँ पकड़े जाते हैं तो थोड़ी सी स्ट्रगल होगी, पर ऐसे अपन फूल ऐसे करके ना इसको ना कांटे को इसमें मार के ऐसे घुमा दो, एकदम ही ऐसे ऐसे कर दो तो कुछ ना कुछ तो अटक ही जाता है ऐसे। फिर ऐसे देखा भाई कितना फ्रेश है, एकदम ऐसे सिजलर की तरह धुआं निकल रहा है एकदम, जैसे तवे से उतार के सीधा ऐसे। कॉन्फिडेंस की वर्ड इज कॉन्फिडेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई साहब लाउंज में सब एकदम वो, तो ये तुम्हारी किस्मत है, तो कौन मिले ये देखो कौन मिले भाई साहब, आंखों देखी पर आंखें ढक रखी हैं, पहचानो संजय मिश्रा जी। अरे 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 तुम हो निशांत, क्या बात है। अरे लाउंज में बैठ करके फर्स्ट टाइम जो फ्लाइट का एक्सपीरियंस हो रहा था उस पर बात कर रहा था। और संजय जी से मैं बता रहा था कि मैं आंखों देखी तो जब से देखी मैं हर चीज़ को उसी नज़रिए से ऑलमोस्ट देखने लगा हूँ। ये भाई जो है जो कर रहे हैं, मैं भी सोचता था कभी ऐसा बनूंगा। हाँ बड़ा अजीब फोन है, जब जरूरत होती है तो पहले कुछ आता नहीं है। फेंक दूंगा ये फोन ना, कॉल अभी आना, सुबह से ना कोई याद ही नहीं कर रहा है, घर वालों तक का फोन नहीं आया। संजय जी से बस 5 मिनट जो मौका मिला बात करने का, दुनिया बोली उठा के फोन कर दो अभी के अभी, होना नहीं चाहिए ये बातचीत नहीं। ओके चल 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 चलो के चक्कर में पटना जा रहे हैं संजय जी, बाय संजय जी को, ऑल द बेस्ट, चल निशांत बाय बाय। फ्लाइट अटेंड करने के लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, संजय जी से बात करने के चक्कर में लाउंज में रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि फ़्लाइट के उड़ने का टाइम हो गया है, तो एकदम एंड मोमेंट पे मिल्खा सिंह बनना पड़ा, एकदम एंड मोमेंट पे भाग मिल्खा भाग मोमेंट हो गया। तो घर से निकलने से पहले मिल्खा सिंह पीटी उषा इनके वीडियो देख लो, पर पहुँच गए लेट नहीं हुए, बोर्डिंग चल रही है अभी, सही टाइम से अपन अब मिलते हैं फ्लाइट के अंदर, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके नॉर्मल होके अंदर, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए अपन भाग के हैं, वही इज्जत कम नॉर्मल है, समय से तब से ही चल रहा है वैसे ही। महंगी वाली सीट पे बैठो तो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा स्माइल कर देते हैं, ऐसे कि बचपन के दोस्त हैं, अरे आप ऐसे वाला, ये मत सोचना ऐसा कुछ दिल का लगा, नहीं नहीं
अच्छा आप में से जो लोग सोच रहे हो कि वेब चिकन का क्या फ़ायदा है, तो भाई साहब वेब चिकन का ये फ़ायदा है कि ये खिड़की वाली सीट ये फिर नहीं मिलती, फिर से अंदर बैठना पड़ता है दब दब के वैसे दूसरों खिड़की में से। भाई साहब थोड़ा सा हटके ज़रा सा देखो प्लीज़, वो ओहो सूरज बादल ओहो हो विंडो सीट खुद की खिड़की से अपनी मर्जी से जब चाहे बाहर देखो। एयरलाइन के बारे में पूरा जान लो, खबर देख लो, ये सब दिखा हुआ है पर करना पड़ता है। अच्छा भाई अगर पिछली सीट पर बैठो ना तो छोटी सीट होती है ना, जहाँ लोग इज्जत कम देते हैं सब पैसे का खेल है भाई, सब पैसे का खेल वही लोग मैं भी भाई पीछे बैठो इज्जत का, यहाँ बैठो और वाह क्या बेस्ट इंसान क्या इज्जत। तो इसलिए पीछे खाना पूछते ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं, ऐसे फेंक के चले जाते ये है खाना। यहाँ पे ऐसा है महंगी वाली सीट में कि आप बताओ क्या खाना है आपको, आप बताओ मतलब की दुनिया यार। अभी टेकऑफ करने में थोड़ा टाइम है तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपना नया अमेजोन प्राइम वीडियो पे जो स्पेशल है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1st October को बॉम्बे में, और आज से मतलब कि 22nd से लेके 28th तक 22-28 तक रोज़ एक शो है मेरा दिल्ली से, तो यहाँ तो बॉम्बे में होगा 1st को वहाँ जाना रिकॉर्डिंग टेपिंग का हिस्सा हो, वरना दिल्ली में रोज़ एक शो है अलग अलग वहाँ पर। अभी प्लेन ने ऐसे धीरे धीरे चलना शुरू किया ज़मीन पे, अभी सब कुछ दिख चौने को वो चलना नहीं ठीक है चल रहा है इससे तेज तो फिर गाड़ी चल कॉस्ट कटिंग है सस्ती वाली सीट, ये बात ये बहुत जरूरी होना दीदी गुस्सा हो बेल्ट नहीं पहनी प्लेन का सूट है। लैंड करते ऐसे भगदड़ मत मचाने लगा कि मेरे को निकलना मेरे को निकलना, आराम से ऐसे लैंड करते एक ही दरवाज़ा प्लेन का एक बार में एक इंसान निकल सकता है, तो कोई फ़ायदा नहीं, वेट करो अपनी टर्न का आराम से, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो मेन चीज़ तो हो गई है मोस्टली लैंड करके निकल के फिर से चश्मा ऐसे वापस करके बैक टू नॉर्मल एटीट्यूड की हाँ आ गए फिर से इसी एयरपोर्ट पे, इस हफ्ते में 8वीं बार ये वाला रख के चलते रहो, कोई स्माइल करे कर दो स्माइल कि हाँ हाँ अरे ना पायलट की तरफ देख के अरे तू तो वही है ना जो परसों भी चला रहा था। अच्छा प्लेन से उतरने से पहले ना अनाउंसमेंट होता है कि आपका बैगेज कहाँ पे आएगा कौन से बेल्ट पे, ध्यान से सुन लो, वो मिस कर दिया तो तुरंत दीदी से पूछ लो कि दीदी वो जो बैग दिया था वो कहाँ मिलेगा, वो बता देगी, फिर उस बेल्ट के पास जाके खड़े हो जाओ। ये दिक्कत नहीं है यहाँ अपना ब्लू वाला बैग दिया था उधर यहाँ पे आएगा, ये अपने आप घूमती है घूमती रहती है, अपना बैग उठा लो। हेलो सपोर्टिंग स्टाफ का ओके आ रहे हैं बैग अपना वाला कहाँ गया, आ रहे बैग आना शुरू हो गए आगे आगे अपना वाला कहाँ है, महंगी सीट वालों का तो बैग पहले आता जल्दी आता पता नहीं अपना क्यों रह गया, आ गया आ गया आ गया भाई सब आ गया, ओ ये रह गया जब। ओह हो क्या भरा रखा इस पर इतना सारा है, अब अपन चलो बाहर अब जगह ढूंढो जहाँ लिखाओ एग्जिट। तो भाई अपन पहुँच गए लिखाओ पर निकास पे आउट, ये फाइनल एग्जिट है, यहाँ तक मेरा काम था आपको लेना मैं बता दिया कैसे, इसके बाद अपना जानो वेलकम नमस्ते सब्बा क्या मिलता।